12 एकम 12 12 कम 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 तिहाई 36। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? 12 चौको 48 12 चौको 48 12 पचे 60 ठीक बा आई देखा बा दांत ऊपर गंदा बा एकदम ऐ देखा गुड बॉय तेरा देखी इनकरो साफ बा आ तू अपन दिखावा चुटकी माला दीदी पूजा दीदी को उल्टी आ रही कहाँ बा वहाँ अरे अरे का भाई तबीयत खराब बा फिर कहीं तो सच अरे वाह इतना बहुत खुशी के बाद अरे और भैया अरे हम मौसी बने वाला बनी अरे कितना खुशी के बाद बा देखिए पूजा सब सब ठीक हो जाए अब तो तरह के अपन घर जाही के पड़ी देखा भले तोहरा जरूरत नहीं की बाकी तोहर बच्चा के अपना बाप के जरूरत तो पड़ी नू तू अपना बच्चा से ही हक ना छीन सकेलू अरे भगवान कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकालेलन देखा तू दोनों के मिलावे खातिर एगो बीच में तीसरा के भेज दिहलन पूजा अब सब ठीक हो जाएगी तू देख लिया अरे इतना बड़ खुशी के बाद अरे ये खुशी के बाद में तो हम सबके मिठाई खिलाओ अरे काकी हो तुम संयुक्ता के साथ हाँ संयुक्ता कौन संयुक्ता अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली कौन संयुक्ता कमीना वही संयुक्ता जो तुम्हारे खिलाफ यहां बयान देने आई थी वही संयुक्ता जिसका इस्तेमाल करके तुमने पूजा को चोर बनाया याद आया या तुमको दूसरा तरीका से याद दिलाएं हम याद आया या तुमको दूसरा तरीका से याद दिलाएं हम वो यहां गवाही देने आई थी तुम्हारा खिलाफ लेकिन यहां आके पलट गई काहे इसका सिर्फ एक ही वजह हो सकता है तुम उसको जरूर ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वो अपना मुंह न खोल पाए हम कुछ नहीं किए हैं हम उस लड़की को जानते तक नहीं है चुप साला झूठ पर झूठ बोले जा रहा है एक गुनाह छुपाने का खातिर गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है बहुत बुरा भुगतोगे केजी तुम बहुत बुरा संयुक्ता से मिलके आ रहे हैं हम
और जो रटा रटाया पहाड़ा पड़ रही थी ना, उसको सुनते ही हम समझ गए थे कि जो बोल रही है किसी का दबाव में आकर बोल रही है। उसका माई बाप से मुलाकात नहीं हुआ, नहीं तो हम उसका मुंह से सच्चाई जरूर उगलवा लेते। तुम काहे हमरे पीछे पड़े हो? जो लड़की को हम नहीं जानते उसके बारे में बार बार बात काहे कर रहे हो हमसे? तुम जान जाओगे केजी, जल्दी ये जान जाओगे। तुम का समझते हो? तुम उस लड़की को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो हमको पता नहीं चलेगा? तुमरा से ज्यादा पहुंच है हमरा केजी, मालूम है ना तुमको पटना में कौन शिकारी कब कहां घात लगाता है? इसका खबर हमको देर सवेर मिल ही जाता है। हम जल्दी ये पता लगा लेंगे कि संयुक्ता को तुम कौन दम पे ब्लैकमेल कर रहे हो, फिर तुम्हारा का होगा सोचते रहना। हेलो संयुक्ता। केजी सेठ, हम तुम्हारा सारा काम कर दिए हैं। तुम जौन जौन बोले थे हम हुए बोले हैं तुम्हारे सामने, फिर हमारे माई बाप को काहे नहीं छोड़ रहे हो? पहले ये बताओ, तुम्हारे पास सम्राट या गुड्डू रांची आए थे पूछताछ करने के लिए? हाँ आए थे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं बताए। तुमको तो पहचानने से भी इनकार कर दिए हम। सच बोल रही हो? एकदम सच, कौनो भी कसम उठवा लो। हम अपने माई बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखना जब तक कि मामला सलट नहीं जाए, नहीं तो समझ गए ना? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम बस हमारे माई बाबूजी को छोड़ दो, हम उनको लेके कहीं दूर चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, तुम्हारे माई बाबूजी हमरे कब्जे में ही रहेंगे। जब हम समझेंगे कि सब ठीक हो गया तो हम खुदे छोड़ देंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि काम होते ही। छोड़ो, जॉन हम अभी कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो, किसी के सामने अपना मुंह भूल से भी नहीं खोलना, नहीं तो हम क्या करेंगे तुमको अच्छी तरह से पता है। और आगे क्या करना है वो हम जल्दी ये बताएंगे। गुड्डू, तुम कितना भी सर पटक लो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी हम आगे क्या करने वाले हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। Oh.
यहाँ बेसरमों की तरह नाश्ता कर रही हो, उधर तुम्हारा जोड़ीदार केजी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। तुम्हारा वजह से का नहीं सहना पड़ रहा है हमको। तुमको पुलिस से बचाना है, जी को सजा दिलाना है, लेकिन कैसे कैसे करें हम ये सब? सम्राट परेशान है, उसका घर वाला परेशान है, पूजा नहीं मिल रही है, और कहां खोजे हम उसको? हाँ, अब हम उसको कहां खोजे बताओ। तो हम क्या करें? हम थोड़ी पूजा को जाने को बोले थे। लेकिन किया तो तुमने ही है ना सब कुछ। तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम मुकेजी के साथ मिलकर पूजा को नहीं गायब करवाई हो? हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हाँ तो केजी ने किया होगा, ताकि पूजा और संयुक्ता मिलके उसके जुर्म का खुलासा ना कर सके। अब क्या हुआ, काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? नाश्ता तो कर लेने दीजिए। हाँ, कराओ, खाली नाश्ता का? हलवा पूरी 56 भोग लगाओ इसका। बहुत नेक काम जोन किया है इसने। एक बात याद रखो, चलो कोई सजा दे ना दे, ऊपर वाला सजा जरूर देता है। हमको भी दिया है उसने तुम्हारा रूप में। अब जाने भी दीजिए ना, आप तो एकदम पीछे ही पड़ गए। तो क्या करें बोलो, क्या करें हम? कुछ तो बात जरूर हुआ है, जन आप इतना परेशान है, बताइए ना क्या हुआ? उस संयुक्ता को हम लोगों ने बुलाया था ना केजी के खिलाफ गवाही देने के लिए। आने को बोली थी, आई? हाँ, आई, आई, लेकिन पुलिस के सामने केजी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? आप लोगों ने पूछा नहीं उससे? अरे हम वहां नहीं थे भाई, सम्राट था। वो बहुत समझाया उसको, लेकिन वो नहीं मानी, बिना कुछ बताए वापस चली गई रांची। फिर क्या हुआ? सम्राट ने जब हमको ये सब बताया तो हम समझ गए कि संयुक्ता ने जरूर कोनो दबाव में आकर झूठ बोला है। फिर हम सम्राट को लेके उसके गांव गए, उसके घर, सच्चाई का पता लगाने। हम समझ गए थे कि केजी संयुक्ता को ब्लैकमेल कर रहा है। जिस तरह से वो लड़की अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोल रही थी, हो सकता है कि केजी उसके माँ बाप को अपने कब्जा में लिया हो। ये केजी तो बहुत ही दुष्ट है, बेचारी संयुक्ता अपना माँ बाप को लेकर कितना परेशान हो रही होगी। हाँ, लेकिन ये बात इसका समझ में नहीं आएगा ना, ये तो कसम खा के बैठी है कि सिर्फ गुनाह करेगी गुनाह। लेकिन अब क्या करेंगे? हम अपना आदमी लोगों को लगा दिए हैं, जल्दी है हमको संयुक्ता के माई बाप का सुराग मिल जाएगा, उसके बाद हम केजी को नहीं छोड़ेंगे। हम वहीं आ रहे हैं, इस पर ध्यान रखना, निकलने ना पाए कहीं भी। अरे नाश्ता तो कर लो।